वेलकम टू जीरो से जीनियस तक इस क्यों टेस्ट में आपसे पूछेंगे जीके जीएस के 25 इम्पोर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे जिनमें से आपको कम से कम 12 सवालों का जवाब देना अनिवार्य है तो चलिए देखते हैं पहला सवाल है ध्यानचंद्र स्टेडियम कहाँ पर स्थित है आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे पाँच सेकेंड का समय ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ क्वेश्चन नंबर टू सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना क्वेश्चन नंबर तीन ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी कानपुर क्वेश्चन नंबर फोर मैंगसेसे पुरस्कार उन्नीस से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी एवं बी दोनों अर्थात सरकारी क्षेत्र एवं जन सेवा के लिए क्वेश्चन नंबर फाइव हीरे की खान पन्ना किस राज्य में स्थित है सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश क्वेश्चन नंबर सिक्स द्रोणाचार्य पुरस्कार उन्नीस से किसे प्रदान किया जाता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए खेल परीक्षकों को, को प्रदान किया जाता है क्वेश्चन नंबर सात और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप सब अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है धन्यवाद क्वेश्चन नंबर सात ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता क्वेश्चन नंबर एट धन विधेयक सर्वप्रथम कहां पेश होता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा में क्वेश्चन नंबर नाइन उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर क्वेश्चन नंबर टेन अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी खिलाड़ियों को क्वेश्चन नंबर इलेवन बीहू किस माफ करिएगा बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम क्वेश्चन नंबर बारह सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया है सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिनेमा जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो उन्नीस से शुरू किया गया क्वेश्चन नंबर तेरह शरीर में विटामिन ए कहां संचित रहता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत में क्वेश्चन नंबर चौदह बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा क्वेश्चन नंबर पंद्रह अम्रपाली किसकी एक प्रजाति है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी आम क्वेश्चन नंबर सोलह रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगल क्वेश्चन नंबर सत्रह केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र क्वेश्चन नंबर अठारह वानखेरे स्टेडियम कहां पर स्थित है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई क्वेश्चन नंबर उन्नीस बुकर पुरस्कार उन्नीस से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है क्वेश्चन नंबर बीस भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा कितना होता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी छे माह क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार क्वेश्चन नंबर बाईस न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृषि के क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर तेईस आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं इसका मुख्य कारण क्या है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी वायु का अपर्तनाक बदलने के कारण क्वेश्चन नंबर चौबीस भटनागर पुरस्कार उन्नीस से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी विज्ञान क्वेश्चन नंबर पच्चीस राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी रायसीना क्वेश्चन फॉर यू भू आंदोलन को सर्वे प्रथम किसने शुरू किया था यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार शेयर भी करने की बस कर दीजिए और आप चाहे तो इसके पिछले एपिसोड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं ओके मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद मातरम